रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार भयंकर होती जा रही है। वहीं रूस ने खार्किव में वैक्यूम बम से हमला किया, वोल्चास्क शहर पर भी बम गिराया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बैरूत में इजराइल की सेना ने बरसाए बॉम्ब्स, जगह जगह दिखा तबाही का मंजर। कई इमारतों में भयंकर आग लगी, आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। लेबनान के बेरूत में इजराइल के हमले, हिजबुल्लाह के चार ठिकानों को बनाया अपना निशाना। वहीं इजराइल के अटैक में पिछले 24 घंटे में 46 लोगों की मौत, 85 घायल। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, 9 दिन तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी। मंदिरों में भक्तों का पहुंचना लगातार चल रहा है। मुंबई में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मुंबा देवी मंदिर में भी की गई आरती, मां के जयकारों से गूंजा मंदिर, वहीं भक्तों का लगा तांता। नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है, अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक, 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा आदेश, आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई होगी। शहर में शांति बनाए रखने का फैसला किया गया। झारखंड के धनबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई नाकाम, असम सामाजिक तत्वों ने की मां काली मंदिर में परिसर में तोड़फोड़, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया है। अयोध्या में आज से रामलला के दर्शन में बदलाव, सुबह 4:30 बजे हुई मंगल आरती, 7 बजे से शुरू हो जाएंगे रामलला के दर्शन, रात 9:30 बजे बंद होगा मंदिर। यूपी के सीतापुर में मंदिर को तोड़ने पहुंचा बुलडोजर, बुलडोजर को हिंदू शेर सेना ने रोका। हंगामे के बीच हिंदू शेर सेना ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का आज आखिरी दिन, सीएम योगी 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, कुरुक्षेत्र कैथल जींद में सीएम योगी की जनसभाएं। हरियाणा में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे रैली, नूह और महेंद्रगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में ईदगाह वाली जगह पर पहुंचाई गई रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा, आज से शुरू हो जाएगा प्रतिमा लगाने का कामकाज, कुछ दिन पहले हुआ था विवाद। पाकिस्तान में भगोड़ा जाकिर नाइक का स्वागत, पीएम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, वहीं सरकार की नियुक्ति पर पाकिस्तान पहुंचाया जाकिर नाइक। 56 साल के बाद गांव पहुंचा वायुसेना के जवान मरखान सिंह का शव, 1968 को एयरफोर्स का प्लेन हो गया था क्रैश, तभी से लापता चल रहे थे, बैच नंबर से हुई उनकी पहचान, 4 जवानों के शव रेस्क्यू में मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने 5,000 करोड़ की ड्रग्स की बरामद, 550 किलो से ज्यादा कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का ड्रग्स भी किया बरामद, मामले में 4 लोग हुए गिरफ्तार। जयपुर के एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने की तोड़फोड़, खुद को बताया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह का मेंबर, रेस्टोरेंट के मालिक से कर रहे थे जबरन वसूली। हरियाणा के पलवल में चुनावी जनसभा के दौरान हादसा, इनेलो बसपा की चुनावी जनसभा के दौरान टूटा मकान का छज्जा, हादसे में कई लोग हुए घायल। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना के गृह जिले में तेंदुए की दहशत, बरेली से तेंदुए का वीडियो वायरल, पकड़ने के लिए कार्रवाई में जुटा वन विभाग। बिहार के बेतिया में दिखा 10 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, अजगर का रेस्क्यू किया गया, वहीं बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया था सांप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, स्कूटी चोरी करने का वीडियो आया सामने, मास्टर की लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एमपी के रायसेन में बीच पुल पर बाढ़ में फंसी कार, आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार को सुरक्षित बाहर किया।